हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु आप अवधज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, आप मुझे ये बता दें इस पंचम काल में अभी मुनि महाराज बहुत बढ़ रहे हैं, तीर्थ सब कुछ बढ़ रहे हैं, पर तीर्थ क्षेत्रों पर क्यों इतने अतिक्रमण हो रहे हैं, मुझे इसका समाधान करने का कष्ट करें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दूँ। ये व्योम के बड़े पिताजी हैं और अभी अभी इन्होंने विदिशा में, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, अपने भूखंड पर अपने द्रव्य से संपूर्ण मंदिर का निर्माण कराकर पंचकलानक कराया और पंचकलानक के बाद एक बड़ी राशि शीतल धाम के लिए समर्पित की और मंदिर की सार्वजनिक व्यवस्था संपन्न कर रहे हैं। ये अनुकरणीय आदर्श है और एक बार पुनः इनका अभिनंदन करते हैं। आपने पूछा अवधि ज्ञानी है निमित्त ज्ञानी, बिल्कुल नहीं है, ना मुझे अवधि ज्ञान है ना निमित्त ज्ञान है, मैं तो अज्ञानी हूँ, आप लोग भ्रम मत पालो। सुनो, अब आपने जो कहा है कि मुनियों की संख्या बढ़ने के बाद भी हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण क्यों बढ़ रहे हैं, देखिए तीर्थों पर होने वाला अतिक्रमण बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है। हमें इसके कारणों पर गंभीरता से विचार करना होगा और इसके कारणों का निवारण करना चाहिए। इनके पीछे कई कारण हैं और कभी मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। मैं नहीं चाहता कि अभी सार्वजनिक रूप से इसके विषय में कुछ बात करें, लेकिन एक ठोस कार्य योजना समाज के बीच में होनी चाहिए। मेरे मानस में बहुत सारी बातें हैं, समय पर बताऊँ।